YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सोमवार को बंसीधर नगर के बहियार में जीवनदायिनी बांकी और सुखड़ा नदी के संगम तट पर नदी महोत्सव सह बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सांसद विष्णुदयाल लाम ने मौजूद विशिष्ट अतिथियों के संग संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद नदी महोत्सव में सांसद ने देववृक्ष कल्पतरु का पौधारोपण कर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं अपने संबोधन में पलामू सांसद ने कहा कि विश्व की सभी सभ्यता व संस्कृतियों का विकास नदी के किनारे हुआ है, फिर भी लगभग सभी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। कहा, नदी वन एवं वन्य जीव का संरक्षण जन सहभागिता के बिना संभव नहीं है। इसकी रक्षा में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए झारखंड की 24 नदियों के किनारे 9,00,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। महोत्सव में मौजूद विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि वृक्षारोपण के लिए नगर उटारी भवनाथपुर की मध्य स्थित सबसे लंबी बाकी नदी तट का चयन किया जाना गौरव की बात है। उन्होंने लोगों से निजी भूमि में पौधारोपण की अपील की। मौके पर डीसी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर लाल अग्रवाल, सीआरपीएफ 172 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी बीके घोष सहित काफी संख्या में गणमान्य जन और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ बुलाया गया था, उस तरीके से यहाँ मान सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो किसी भी पद का नहीं है वो मंच पर उपस्थित है, उन्हें मान सम्मान मिला गया। और मैं एक नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के बावजूद भी जिस तरीके से मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण मैं यहाँ से जाने लगी। कार्रवाई के लिए मैं आज मुख्यमंत्री आवेदन दूंगी कि उन पर कार्रवाई हो, किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरीके से अपमानित करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों को हम वही शिक्षा देते हैं अपने विद्यालयों में की बात करें, और यहाँ आकर के जो स्कूल के जो बच्चे हैं महीने के कई क्लासों में जो चीज इन्हें बता सकते हैं, बच्चे यहाँ पर आज के कार्यक्रम में देख सकते हैं, देख करके निश्चित तौर पे ये लॉ है, ये अभियान है। सर आपने पहल किया था 2-2-4 और धीरे धीरे ये कारवां बनता जाता है। इसी में से अगर 100 लोग भी प्रकृति पर्यावरण के प्रति अगर सजग हो गए, अपने आप को समर्पित कर दिया, निश्चित तौर पे आने वाला हमारा विभाग में भिजवाया, फिर से सुधारा होगा। गृह विभाग फिर उसी धरती पर धरती पर जो पूरे ब्रह्मांड की आयुष जगह है, जहाँ पर नाम बदलने की बात है, रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो हमारा पृथ्वी के अलावा कोई जगह नहीं। सर सर एक आप सर राज्य के पुलिस मुखिया रह चुके हैं, आइए एक बार सजा है, पृथ्वी हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। माता क्या उपाय सर, क्या रणनीति होनी चाहिए, कामयाबी मिल सके बढ़ाते हुए, देखिए जो आवश्यकता मेरी बात है, सभी लोग जानते हैं, सांसद महोदय ने बार बार कहा कुछ बचा नहीं है, लैंड माइन जानते हम सब हैं, और हमें इस बात की करने की प्रवृत्ति हमें हासिल नहीं होगी। अब समय निश्चित तौर पर बचा नहीं, बल्कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार यह सोच जो पानी की समस्या के लिए पूरा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जहाँ से हमने पानी पीना आरम्भ किया, सामग्री वहाँ पर नहीं जाए ताकि वो विवश होकर के बचाने का उठे और मानव हमारे बनस्पत हम उनके सर सर गांव को खाली करा दिया गया ऊपर जो गांव है, तो क्यों ना ऐसा हो कि बम गिराया जाए, बम से हमला किया जाए, नक्सली को वहीं पर सब खत्म कर दिया जाए, ऐसी रणनीति नहीं हो सकती है। देखिए हम सब जिले के एक एक नदी के तट पर हम सब हिंसा में वृक्षारोपण का आज चल रहा चाहते हैं, पूरे हिंसा की देश में रणनीति है उसको लगाने का लक्ष्य, वो शांतिपूर्ण व्यतीत करें और मुख्य धारा विकास की मुख्य धारा में जुड़े, और जो नक्सली हिंसा छोड़ करके विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने सरेंडर पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी है, और बहुत सारे नक्सलियों ने उनके जो बच्चे खड़े हैं आप लोगों से निवेदन है, आप बैठ जाए, सब जनरल कमांडर थोड़ी देर और कार्यक्रम में चलेगा, सांसद महोदय लोगों से विदा ले रहे हैं, प्रभारी हैं वो सब आभारी है, सर पद के पद से अनुसार 2 IPS जो रिश्ते में पति पत्नी है सर, पूरी तरह से कमान संभाले हुए लाते हैं, एसपी आपके गढ़वा एसपी सर क्या कहना चाहते हैं।